बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छुपा है। भगवान का आशीर्वाद है, सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व छठ कल देश भर में नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। छठ पूजा के इस चार दिवसीय अनुष्ठान में व्रती नदियों और अन्य जल स्रोतों में स्नान कर सूर्य देव को जल से अर्घ्य देंगे। रोहंडा खरना पर व्रती दिन भर उपवास कर शाम को सूर्य देव को नमन कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। गुरुवार शाम अस्ताचलगामी और शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान का समापन होगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खास करके बहने और सुहागन बहने अपने सुहाग की उम्र लंबी मिले, कोई कष्ट न्याय, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो, इस निमित्त चार दिन तक ये जो त्योहार में डूबती है भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण करने के बाद पानी थोड़ा सा अल्पाहार उसके बाद ही ग्रहण करती है। यह हमारी संस्कृति भी अद्भुत है। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छुपा है। भगवान का आशीर्वाद है, सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। जगह जगह अभी माहौल बना हुआ है, हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब, नदी, पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहां होती है वहां तो व्यवस्था रहेगी, जहां भी चाहेंगे वहां भी हम व्यवस्था बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई।